डागोस यूट्यूब चैनल के इस लाइव सेशन में मैं गजेंद्र सिंह कवि आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का खैर मकदम। और दोस्तों मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय सियाराम, सभी को अपना अपने इष्ट देवों के हिसाब से अभिवादन स्वीकार हो। कविता चौधरी राम राम गुरु जी, कमलेश नारनोलिया खुश रहे बेटा, डॉक्टर कोमल गोड गुड मॉर्निंग, धर्मराज बैरवा तोसिया नमस्कार भाई, रतन सिंह खिड़िया जय श्री, जय श्री रतन सिंह जी नमस्कार, आपस में नमस्कार कर रहे हो। नेहा शेखावत नमस्ते बेटा, दिल खुश मीणा, नेहा शेखावत, मनजीत सिंह यादव गुड मॉर्निंग, नीरू गुजार, जगदीश सिंह, जगशीर सिंह, सीएल चौधरी सभी को नमस्कार भाई, डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत हेलो हाय, मोनिका स्वामी बेटा खुश रहो, इमरान खान सर और सभी भाई बहनों को नमस्कार, ठीक है भाई ठीक ठीक, नीरू गुजर, अशोक खिलेरी, दर्शन दर्शना शर्मा, हनुमान चौधरी, सोनू बैरवा, धर्मराज, ध्रुव गुजर, खुशबू सैनी, दिलीप सिंह, ध्रुव गुजर, प्रवीण आर्मी लवर, प्रकाश कंवर चारण, देव नगरी दोसा, उषा मीणा, सी बी पारिक, राजेश कुमावत, अम्मीलाल खोड, देवराज राजपूत, अशोक, राजेश कुमावत, धूड़ाराम चौधरी, मौसम कोरवाल, मीनाक्षी कुलदीप, एमएस चौधरी, नरेंद्र चौधरी, रहमान खान, अनुज गहलोत, अंजू, मनीषा, फाइटर बाबा भरतपुर, सी बी पारिक, प्रवीण तोसिया, प्रवीण तेवटिया, बी सी डूडी, पपेंद्र कुमार मीणा, मोहर सामरिया, सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार दोस्तों नमस्कार। आइए तो ये कुछ क्लासें होने वाली है तो इसका है ही, ये रीट के लिए हेमचंद जी जांगिड़ और प्रियंका चौधरी। और आइए अब चलते हैं चित्रकला। आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेवाड़ शैली। कौन सी शैली है? ये मेवाड़ शैली है साहब। महावीर मेवाड़ में पाथल दुई प्रमाण, एक अकबर सु आथड़ियो दूजो नर फिरंगाण। आइए महाराणा प्रताप की धरती की उस चित्रकला शैली को जानते हैं। और मेवाड़ शैली है साहब राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली, राजस्थानी चित्रकला की प्राचीनतम शैली, सबसे पुरानी शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। दर्शना मैं झूठा, राम राम भाई राम राम, बी एस यादव, अनुष्का शर्मा ऋतुराज लेट आई है, अमित कुमार गुर्जर, धर्मू भाई बराबर वालों को नमस्कार करो। और आप सभी आप राम राम ही बोल लियो। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि सभी मायता धोक है, सभी मायता धोक है, टाबरियाँ को लाड गणू, राम राम बाकी सगड़ाई लीजियो मारो जणू जणू, राम राम बाकी सगड़ाई लीजियो मारो जणू जणू। सर तानसेन खा रहे हो क्या? बेटा तानसेन छोड़ दिया, खाता था, आजकल सुपारी खाता हूँ, छुड़ा दी यार घर वालों ने, सारे दोस्तों ने, तुम स्टूडेंटों ने मिल मिला करके, भरोसा नहीं हो तो ये देख लिए मेरे जेब में भी है, सुपारी खाता हूँ आजकल, सुपारी खाते खाते गला नहीं सूखता रहे। प्रणाम भाई अजय गुजर, सर आई तो टाइम पे थी, आपने अभी आपको अभी दिखी हूँ, चलो 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 कोई बात नहीं। लाल सलाम, लाल सलाम हमारा हम जानी लाल सलाम। राजेश कुमावत, अजय सुपारी, सभी लाडले भाइयों लाडली बहनों को राधे राधे। सर तानसेन खा रहे हो का सफल सुपारी, मीठी सुमारी, कौन सी सुपारी? धर्म भाई, अब इस सुपारी का प्रचार नहीं करता क्योंकि सुपारी वाली मुझे स्टोन बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुद स्टोन हूँ, बाटा एम बाटा, कोई फर्क नहीं पड़ना। निशा चौधरी, मनीषा मेहरा, गुरुजी आजकल जर्दो खावे, सीएल चौधरी कह रहे हैं।
डॉक्टर कोमल गोड़ कह रही है बढ़िया किया, जय जोहर भाई कल्पेश, राम राम। सो ठीक है सर जी, अच्छा रहा छोड़ दिया, ठीक है ध्यान देना। राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीनतम चित्रशैली कौन सी है? और दोस्तों इसी का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ भी है एक, ये प्रश्न खूब आती है, खूब आता है, याद रखना प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का। वो कौन सा है? बोलो आप, बोलो कौन सा है? बहुत लंबा नाम है। सूत्रचूर्णी पूरा नाम लिख दो, आप में से वो नाम लिख दिया इसका मतलब ये समझ लीजिए चित्रकला में उसको सब कुछ याद है। जबाड़ा चालता रेवना चीज, अरे मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको, जर्दा गुटका ये छोड़ो, वो नाम लिख दो, समझ लेना उस आदमी के चित्रकला में से कहीं से भी नंबर नहीं कटेगा। है कोई माइका लाल? खुशबू दीदी आपस में बात नहीं, एम एस चौधरी छोड़िए बात, इसकी चूरणी पूरी लिख दो। देखें आप तुलसाराम जी देवासी, ये बताइए आप तो इसका चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल सही, थोड़ा सा आधा रह गया फाइटर बाबा, थोड़ा सा और रह गया, जो मैंने एक शब्द बोला वो और जोड़ दे इसके, एक और जोड़ दे धर्मराज बेरवा तोसिया। सर आजकल चेहरे उदासी क्यों है? नहीं है, आई नटखट गोपाल आई लव यू, बिल्कुल सही लिखा है, नटखट गोपाल के लिए ताड़ी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, बिल्कुल श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये नाम याद रखना, ये एक मीटर लंबा नाम है, देखो नाप लो चाहे पूरे मीटर एक पड़ता है। और दोस्तों ये किस से लिखा है? ये मेवाड़ शैली का है। कौन सी शैली का? तो बताइए राजस्थानी चित्रकला का, या यूं माने कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है उस चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब ये भी बता दो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से सन में और किस शासक के समय बना? सर मैं लोको पायलट हूं, केवल अपनी संस्कृति का ज्ञान बढ़ाने के लिए आकर के आपका हर वीडियो देखता हूं। बी एस यादव सर, आपका जो संस्कृति के प्रति लगाव है उसको आई लव यू। हां मेवाड़ से ली तो है दोस्तों, लेकिन ये बताइए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र कौन से सन में बना, किस शासक के समय बना? रतन सिंह, कमलेश नारनोलिया, नवल भाकर, सही कह रहे हो। और फाइटर बाबा आई लव यू, तू हर बात का सही जवाब दे रहा है। 1960 गलत अजय, 1260 किसके समय? तेज सिंह के समय, बिल्कुल सही है, 1260 तेज सिंह के समय कौन सा चित्र बना? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, दोबारा देख लेते हैं एक एक बात को। राजस्थानी चित्रकला की प्राचीनतम चित्र शैली कौन सी? मेवाड़ शैली। इसका प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, प्राचीनतम के भी तीर का निशान लगा है, कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 में महारावल तेज सिंह के समय इस चित्र को बनाया गया, मेवाड़ शैली। इस शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है सबसे प्रसिद्ध चित्र वो कौन सा है? रागमाला। रागमाला को बनाने वाला कौन था? नासिरुद्दीन।
जिसका एक नाम और आता है निसारदी। निसारदी कह दो चाहे नासिरुद्दीन कह दो, बात एक ही है, निसारदी। दोस्तों ये जो रागमाला का चित्र बना वो किसके समय बना? महाराणा अमर सिंह के समय। किसके समय? लेकिन मजेदार बात है, ये जो रागमाला चित्र दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? इस चित्र को वर्तमान में, ये चित्र दिल्ली के संग्रहालय में है, दिल्ली के अजायब घर में। संरक्षित है। हाँ जी, गजेंद्र ही गज्जू है, नासिरुद्दीन ही निसारदी है। कुंवर नैन सिंह जी की नगरी नैनवा से प्रणाम प्रणाम। नैनवा का कवि सम्मेलन आज भी याद है कि कवि को ठोकने आ गए थे मंच के ऊपर। प्रणाम करता हूँ ऐसी नैनवा की धरती को। बड़ा चर्चित रहा था, मीडिया में भी खूब छाया। वो मुकेश बुकड़िया, दिनेश जी भाई क्लास ले रहे हैं सर। दिनेश जी भी क्लास ले रहे हैं, क्या बात है दिनेश जी। शेखावाटी कॉलेज बाय के डायरेक्टर दिनेश जी रणवा इस क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों एक दिन इनका, दिनेश जी का भी वीडियो बनाना है। उस क्षेत्र का दांतारामगढ़ तहसील का सर्वश्रेष्ठ, लाल सलाम भाई अशोक कुमार, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है जो इंटीग्रेटेड कॉलेज है। जो मान लीजिए अभी आजकल वो कर दिया ना इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें ग्रेजुएशन भी साथ चलती रहती है और बीएड भी साथ चलती रहती है, उसका सबसे बेहतरीन संस्थान यदि कोई है तो शेखावाटी शिक्षण संस्थान बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। उसके डायरेक्टर भी इसको देख रहे हैं। शीघ्र में इनका भी एक वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ। सर जीन माता का जन्म स्थान धांधू कहाँ है? सीकर या चूरू? चूकर है, चूरू में है बेटा। गुंजन कंवर झाला चूरू जिले में है। कमलेश कह रहा सापरा, जब सापरा वाले बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कर रही हूं बीए बीएड अनुष्का शर्मा। तो बेटा तू तो पहले ही कर चुकी है ना, पहले बीएसटीसी कर रखी थी क्या? जी। और ये मुकेश भुकड़िया भी उसी में केमिस्ट्री का लेक्चरर है भाई, उसी शेखावाटी कॉलेज में। मैं इंटीग्रेटेड कोर्स ही करूं हूं, गुंजन झाला। वेरी गुड वेरी गुड गुड। हाँ भाई ये चित्रा। ठीक है दोस्तों, इधर ध्यान दीजिए। सर मैंने सीकर पढ़ा दो तीन बुक में। गलत, सीकर में मंदिर है जीर्ण माता का, जो वर्तमान में जीर्ण माता ने जहाँ तपस्या की थी, जीर्ण माता के भाई हर्ष ने तपस्या की थी वो जगह सीकर में, जीर्ण माता का मंदिर भी सीकर में, जबकि जीर्ण माता का जन्म चूरू जिले के गांव में धांधू में हुआ था। धांधू नहीं, सही नाम तो घंगू है, घंगू, पर उसको क्या वो कर दिया डॉक्टर कोमल गोड़। मैं भी पीटेट दे रही हूँ तो आपका, आपको भी उसी से कवाटी कॉलेज में करवाएंगे बेटा, है ना। पाटोदा सीकर से प्रणाम, क्या बात है। सुरेंद्र निठारवाल, लोटू जी जाट का वंशज है क्या तू? ये पक्का ही लोटू जी जाट का वंशज है यदि पाटोदा का है तो। और रिंगस से निकले वे इनके पूर्वज, राजस्थानी चित्र के का प्रथम श्रृंगदर, बेटा मैंने कल लिखा दिया था, जग्गा सिंह प्रथम के काल में विकास महाराणा का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जय सिंह, ये अच्छी बात बताइए। मेवाड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है रागमाला, बनाने वाला था नासिरुद्दीन या निसारदी, और ये महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय ये चित्र बनाया गया था, प्रथम भी याद रख लेना। और दोस्तों वर्तमान में दिल्ली के अजायब घर में ये रागमाला चित्र रखा हुआ है, संरक्षित किया हुआ है। और ध्यान देते हैं मेवाड़ शैली, इसका एक बहुत ही सुंदर चित्र है आर्ष रामायण। कौन सा चित्र? आर्ष रामायण। अब मैं ये लिखूं और बताऊं आपको, तब तक ये बता देना कुलदेवी जीण माता की जय हो भाई नटखट गोपाल, तब तक बता दूं ये आर्ष रामायण चीज क्या है। आर्ष रामायण चित्र बहुत प्रसिद्ध चित्र है, और ये चित्र बनाने वाले जो थे, ये बनाने वाले कौन थे? दो जने थे, मनोहर ने। आर्ष रामायण का चित्र किस किस ने बनाया? साहब दीन भाई मनोहर ने बनाया आर्ष रामायण। हाँ अब दोस्तों मेवाड़ शैली का यदि पूछ लिया जाए,
तो विकास किसके समय हुआ? तो विकास बताना राणा कुंभा, राणा कुंभा के समय। इसका अति विकास, अति विकास जिसके समय हुआ वह है महाराणा अमर सिंह प्रथम। लेकिन सर्वाधिक विकास करवा दिए, इसलिए स्वर्णकाल, स्वर्णकाल रहा जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का समय इसका है गोल्डन पीरियड। बिल्कुल नीरू गुजर साहब दिन व मनोहर, खुश रहो बेटा, याद रखना। आज रामायण का चित्र साहब दिन व मनोहर ने मिलकर बनाया। मेवाड़ शैली का विकास राणा कुंभा के समय हुआ, अति विकास महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, जबकि गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल है वो है महाराणा जगत सिंह प्रथम का शहर। रवि कुमार शर्मा कह रहा सापरा वाले बुलाएंगे नहीं, सासरा वाले बुलाएंगे तभी तो जाएंगे। एक बार आओ जी जमाई जी ही पावना, ताने सुसरा जी बुलावे घर आव जमाई लड़गरा। हे आर्स रामायण पाठ सैनी कोमल गोड जी, सरनाम प्रणाम सर प्रणाम फेंकू, कैच कर लिया ये जेब में डाल लिया। रामायण कई लिखी गई है, कंब ने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, वैसे आर्स नाम के राइटर की लिखी हुई जो रामायण है वो आर्स रामायण कहलाती है। चटक मटक कर पांव लागू राम किशोर कुमार, खुश रहो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। चोरो मेवाड़ शैली में एक चीज आती है, कलीला दमना क्या है? यह प्रश्न बहुत शानदार तरीके से आया हुआ है। हां नैन सिंह जी के नगरी वाले, स्वीकार कर लिया, बार बार की जरूर नहीं। रीट में 103 है इंग्लिश में, हो सकता है क्या? हो जाएगा आराम से। सेकंड लिस्ट में आने ही वाला आपका नंबर। सर कैला मैया की जय हो। आरजे 18 झुंझुनू, आज वो नाथ नहीं आएगा झुंझुनू वाला, डीके नाथ। सोनू सोनू राम राम। गिरिराज चौधरी नमस्ते। राजूलाल बैरवा हाय। ये बताइए कलीला दमना क्या है, ये प्रश्न भी आता है। कलीला दमना मेवाड़ शैली का चित्र है, मेवाड़ शैली का पंचतंत्र पर आधारित चित्र, पंचतंत्र की कथा पर आधारित चित्र। ठीक है, और इस पंचतंत्र की कथा जो है, इस कथा के पात्र हैं दो सियार। क्या है? दो सियार। बिल्कुल नटखट गोपाल, ओम प्रकाश जाट, सोनू भरतपुर वाले ने नहीं दिया कि अभी तक उत्तर, बड़ा इंटेलिजेंट, वेरी गुड। पंचतंत्र की कहानियों का वर्णन, एक अच्छा और एक खराब गिदड़। बिल्कुल संजय अहरी, बिल्कुल सही कहा आपने, दो सियार पात्र उनकी। और दोस्तों इसी पंचतंत्र का, कौन से का? इसी पंचतंत्र का अरबी फारसी में अनुवाद है। अरबी और फारसी दोनों अलग अलग भाषाएं मिलती जुलती है, अरबी फारसी अनुवाद। इसका नाम क्या है? आयरे दानिश, आयरे दानिश। और इसी के आधार पर, इसी आयरे दानिश की एक कहानी है जिसका नाम क्या है? कलीला दमना। तो ये आयरे दानिश भी किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। और इसी आयरे की एक चित्र है जिसका नाम है कलीला दमना। खूब प्रश्न आता है दोस्तों, अरेबियन नाइट्स क्या बात है, ये इंग्लिश ड्रामा। बिल्कुल सही किया नूरुद्दीन ने चित्रण किया, कविता
अब चलते मेवाड़ से लेके प्रमुख चित्र, खूब आते हैं चोरों इनमें से। पृथ्वीराज रासु, महाकाव्य ज्यादा चित्रित हुई है इसमें, रामायण, आर्ष रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, ये राणा कुंभा की रचना है ना। गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था शायद, उसी को आधार बनाकर बनाए गए चित्र हैं। कलीला दमना, कलीला दमना, पंचतंत्र, यानी कि किताबों के नाम आ जाए ने बस, तो अपने को मेवाड़ से ली बतानी है। हाँ जी, अरबी भाषा का ग्रंथ भी है। पंचतंत्र, कलीला दमना, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, ये बताने मेवाड़ से लिखे चित्र। और देखिएगा मेवाड़ से लिखे प्रमुख चित्रकार, नूरुद्दीन, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन की जगह निसारदी भी आ सकता है, एक ही बंदा है निसारदी। साहबदीन, मनोहर, ये सब किस शैली के चित्रकार बताओगे दोस्तों? ये सारे के सारे मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। मेवाड़ शैली के चित्रकारों के नाम देख लीजिए एक बार, नूरुद्दीन, नासिरुद्दीन, निसारदी, साहबदीन, मनोहर, सब किस शैली के बताओगे? मेवाड़ शैली के। ये तो मैं सोच रहा था लिखने की, अमित कह रहा पृथ्वीराज रासो, मनोहर, नल और दमयंती किस कहानी के पात्र है? नल और दमयंती तो एक धार्मिक कथा है बेटा। राजा नल में क्या क्या संकट पड़ा, उसकी पत्नी दमयंती को छोड़कर कैसे भागा, फिर दमयंती ने उसको कैसे प्राप्त किया, कैसे जाकर के। हाँ, तो इसीलिए तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसको गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है। चित्र हिंदू कथाओं के हैं और बनाने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं, ठीक है कि नहीं है? अब चलिए आगे चलते हैं मेवाड़ से ली। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख रंग है वो है लाल। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख वृक्ष है वो है कदंब। क्या है जी? कदंब। नारी सौंदर्य चेक कर लेना आप में से कौन कौन सी मेवाड़ शैली की छोरी है। छोटी ठोडी, वे बादामी आंखें, इस शैली की खास विशेषता काली मोटी, काले रंग की मोटी मोटी व गहरी रंग योजना।
चित्र के साथ चित्र में जो ऐसे काली काली गहरी गहरी बॉर्डर जोरदार बनाई गई है, काली मोटी और गहरी एकदम डार्क रंग की, सुर्ख रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये देखिएगा साहब, वाओ, चिबुकियां ठोड़ी होती है साहब, गालों तक जुल्फें सभी में होती है, तो छुट्टी पर तिल, आहा। इसमें बादाम के रंग की आंखें नहीं, बादाम के आकार की आंखें हैं। बादाम का आकार देखना आप, और बादाम छिला हुआ नहीं पूरा, आप देखो उसकी बिल्कुल उसी की टाइप की आंखें हैं। डॉक्टर कोमल गोड़ कह रहा दशा माता व्रत कथा है नमियर, हाँ उसकी दशा खराब आई थी तभी तो है ना, वो राज राज तो डिगायो राजा नल को रे, डिगायो रे राजा नल को रे, बाकी रही ना एक रति। खंजर चाकू को कहते हैं, भूना रती तर उड़ गया बन में, सिक्के हुए तीतर उड़ गए थे उसके, तो मछली जैसी आंखें बादामी। अनुष्का ये चीजें सीख ले, कविता में काम आएगी, बादाम का आकार होता है ना वैसी आंखें, एकदम तीखी सी ऐसी आंखें। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी हुई, आ जाओ ना कल कॉलेज हल है, ओह हो, किरण जेवरिया सर सारा गीत आवे, आपने आपके बच्चे की शादी में गाएंगे डॉक्टर साहब, मैंने बता दिया प्रिय सैनी, तिरछी कटीली आंखें बादामी कार, इसने राणा संदीप सिंह दया, ये तो आंखों का बड़ा लालची है, इसने तो लो भी आंख का चित्र भी बना दिया, एक आंख खुली और एक आंख बंद मत कर देना बेटा, नहीं लफड़ा हो जाएगा। ये कौन सी, एक याद रखना, इस शैली का प्रसिद्ध चित्र रागमाला जो वर्तमान में दिल्ली के संग्रहालय में रखा हुआ है। अनुष्का जी ये वो पोइम सुनाई वो है क्या सर, गुंजन झाला, हाँ ये वही है, वो पोइम सुनाई थी वही है, बना ले इसको भाई ली, वो इस लाइक कीजिए, मेघवंशी अजय हंसरिया है, किरण जेवरिया तूने आंखें कैसी बना, तू तो पाटा की सी आंख बना दी, कमलेश खिलेरी, ये जो डागुर का कमेंट आ रहे हैं बीच में, इस बात को भी सुन लो भाई, बंक बांकरी क्या होता है सर, कभी मिल बैठना तब सिखाऊंगा आपको डिंगल साहित्य की पूरी बातें, बंक बांकरी क्या, सुरमो पिरवो जय हो नमस्कार सर, पुलिस में कितने चाहिए, पेपर के बाद कह सकते हैं। मेरा ब्याह में लुगाया ने गीत जना मंगो नहीं, लुगाया बेटी वे बीच, मेरे बीच में मैं बैठे रहूं, जना पास जा रहा अपने बाप गीत आवे, मुझे पता है डॉक्टर कोमल को टेलीग्राम पर बातें चालू कर दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं, फिर बातें ही करोगे। आइए चलते हैं, ये हो गई अपनी मेवाड़ शैली, अब चलते हैं। अरे अंकित तूने शुरू से नहीं देखा, शुरू से देख लेना सारी बात आ जाएगी इसमें। नासिरुद्दीन या निसारदी, देखते हैं कोटा शैली, कौन सी शैली, कोटा शैली। मजे की बात है दोस्तों, ये प्रश्न आता भी है, इसे शिकार शैली भी कहते हैं, बताइए राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली को शिकार शैली कहा जाता है, तो दोस्तों अपने को उत्तर देना है, कोटा शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली को शिकार शैली कहते हैं, कोटा शैली को, इस शैली में कारण क्या है इसका, सर्वाधिक चित्र शिकार करते हुए हैं, शिकार का एक नाम और होता है, सोरो कहीं डाफा सुख मत हो जाना, आखेट शैली, आखेट पर्यायवाची शब्द है इसका, शिकार का
कोटा सेली, शिकार सेली या आखेट सेली के नाम से किसे जाना जाता है? कोटा सेली को जाना जाता है। लाजवाब लिखते हो अनुष्का जी। अब गुंजन को पता चल गया यही कवियत्री है तो अभी इधर ध्यान देने लग गई, इधर ध्यान नहीं दे रही। गुंजन कान काट ले जाएंगे तेरे, देख लेना। राजा के साथ बिल्कुल इस ऐसा ही नहीं, इसमें यूं कह सकते हैं कि इस शैली में तो महिलाओं को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। किस शैली की बात है? कोटा शैली की। अगर पूछ लिया जाए इस कोटा शैली का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल या सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ, तो क्या बताओगे? राम सिंह। आखेट, अहेर, लुब्धक, बहेलिया, बहेलिया शिकारी को कहते हैं, लुब्धक भी शिकारी को कहते हैं। स्वर्ण काल किसका बताओगे? राम सिंह। राम सिंह किसका? कोटा शैली का। कोटा शैली का राम सिंह। कोरा, को यानी कोटा, रा यानी राम सिंह। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। सर ये चित्र मैंने देखा है। क्या बात है धर्मराज, कोरा कागज था ये मन मेरा। नटखट गोपाल उमेद सिंह बूंदी शैली में है। संबल का बीहड़ उधर ही है शिकार के लिए, बिल्कुल सही है। शिकार भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर रानियों को शिकार करते हुए चित्रित चित्र दिखाए गए। हाँ, रानियाँ शिकार करती हैं बेटा, यहाँ पर भी कई रानियाँ हैं जो शिकार करने को तैयार बैठी हैं। बस के रहना छोरो, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। माधव सिंह हाड़ा, वाव सर, ठीक है। प्रमुख वृक्ष बताओ इस शैली का। खजूर। मेवाड़ का कदम था इसका क्या है? हां बेटा, सारी बातें आएंगी। शिकार करने जाते समय महिलाओं को भी ले जाते थे। जंगल में 5-10 दिन रुकना जाए तो बेटा कैसे? यार तेरा थानेदार आ तो कई दिनों बाद में आया यार। प्रमुख वृक्ष है खजूर। कोटा शैली प्रमुख रंग नीला। प्रमुख चित्र हाथियों की लड़ाई, उमड़ते बादल, शिकारी कुत्ते, शिकारी बाज, राजा रानियों द्वारा शिकार के दृश्य। नारी सौंदर्य लुगाया किन की है भैया? नारी सौंदर्य। कटार सी आंखें, शिकार भी होता है कटार से, आंखों से भी शिकार होता है, तो शिकार शैली में शिकार की आंखें हैं। हाँ, कटार सी, हिरणी जैसी, मृगनयनी, मोटी ताजी नायिकाएं, मोटी ताजी नायिकाएं।
कटारसी को हटा करके आप तो यूं मृग ने नहीं याद रखना। नारी अब देखिए प्रमुख रंग कैसा है, नीला। प्रमुख चित्र हाथियों की लड़ाई, उमड़ते घुमड़ते बादल, शिकारी कुत्ते, शिकारी बाज, राजा रानियों के द्वारा शिकार के दृश्य और नारी सौंदर्य के हिरणी जैसी, हिरणी का शिकार, हिरणी जैसी आंखें और नाई का शिकार करती हैं तो मांस भी खाती हैं, और मांस खाती है तो कैसी हो जाती है, एकदम मोटी ताजी हो जाती हैं। धर्मराज बैरवा ने कहा तभी तो मुकुंद सिंह हाड़ा को जंगल में अबली मीनी से प्यार हुआ था। बिल्कुल सत्य बात है बेटा, ये बेहोश हो गए थे शेर के द्वारा आक्रमण करने पर। तो एक गोफण नाम का हथियार होता है जो चमड़े का होता है और आगे उसके पत्थर लगा होता है, उस गोफण से उसको मार दिया था शेर को जिसने मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया। और फिर वो अबली मीनी उस जंगल में गई हुई थी, उसको घायल भी राजा को उठा के लाई, दो तीन दिन उसका उपचार इलाज किया और उसके बाद में उसको होश आया तो पता चला कि इस लड़की ने तुझे बचाया है, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाती है। एक बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे। फिर किस प्रकार उससे विवाह करता है, रानी बनाता है, लेकिन वहाँ के जो राज परिवार के सदस्य स्वीकार नहीं करते तो वो जो मुकुंदरा हिल्स है वो पूरा का राज उसको दे देता है, वहाँ उसका महल भी बनाता है जो आज भी मौजूद है। ये लंबी कहानी, कभी लव स्टोरियाँ सुनाऊंगा ना राजस्थान की साहित्य के अंतर्गत तब आपको बताएंगे। सॉलिड बॉडी ना, वृक्ष केड़ा नहीं है बेटा, केड़ा तो वृक्ष है ना, तो मुख्य रूप से तो किशनगढ़ शैली में और सहायक रूप में नाथ द्वारा शैली में है। कौन सी शैली में, नाथ द्वारा। वैसे नाथ द्वारा शैली का जो प्रमुख वृक्ष कदम है और कदम के साथ केले का भी खूब चित्रण, तो कदम नहीं आता तब केला मान लिया जाता है। हाँ, उसको प्रिया सैनी पशु पक्षी बूंदी में, इसलिए बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, इसके प्रमुख चित्रकार देखो, नूर, गोविंदराम, लच्छीराम, ये किस शैली के चित्रकार हैं जा? हाँ किरण जी बोलो, आपस में बात मत करो। गोविंदराम, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, एक रघुनाथ भी नाम याद रखना, नूर मोहम्मद, गोविंदराम, लच्छीराम और रघुनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? कोटा शैली के। बेटा जी डालू राम जो है ना बूंदी शैली का है, डालू राम, सुरजन, रघुनाथ, नवल भास्कर, सही कह रहा है नवल भास्कर। आइए चलते हैं, देख्याई मारा बलमा बूंदी का दरवाजा पे मंड रही मोरणी, स्याचाई मारा भलमा बूंदी का दरवाजा पे मंड रही मोरणी, आई हाई मारा भलमा इसे पशु पक्षी शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? पशु पक्षी शैली के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी शैली को जाना जाता है। आज आपका वर्दी वाला टेस्ट नहीं है क्या? है, इसमें पोस्टर नहीं था, कारण क्या है? अच्छा वैसे ही देखना, बूंदी में हमें बर्ड राइडर के चित्र मिले हैं ना खुदाई के दौरान, तो बर्ड राइडर बूंदी और इधर भी बर्ड बूंदी। इस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांगन है। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किस शैली में है? साहेब बूंदी शैली में है, इसी कारण इसको क्या कहा गया है? देख लेना मेरा आज पक्षी सही लिखा है,
कल कह रही थी ना सर पक्षी शुद्ध लिखो, पक्षी पर सवार व्यक्ति कमलेश खिलेरी सही कह रहा है, वाह नीरू, वो बट राइट, वो वहां से मिले गरदड़ा बूंदी से, ठीक है। अब ध्यान देना साहब, इस शैली का स्वर्णकाल, इस शैली का स्वर्णकाल है उम्मेद सिंह का समय, इसका प्रमुख रंग कौन सा है, सुनहरा, गोल्डन कलर, गोल्डन ब्रामू, और प्रमुख वृक्ष वही कोटा से ली वाला, खजूर। अब देखते हैं साहब प्रमुख चित्र, घुड़दौड़, बरसात में नाचता मोर, कबूतर पक्षी, हो कबूतर जा साजन रे देश मारो ले जा तू संदेश, उड़ जा रे उड़ जा उड़ जा रे। दिलकुश मीणा सुरजन हाडा के समय इसका विकास हुआ था, जो गोल्डन पीरियड है सर्व जो है ने, वो तो किसका समय रहेगा, उम्मेद सिंह का। यदि इसमें पूछ लिया जाए कि बूंदी शैली का विकास किसके समय हुआ, एक बार इसको देख लीजिए आप, इसे पशु पक्षी शैली भी कहा जाता है। किस शैली को पशु पक्षी शैली कहते हैं साहब, हमारी बूंदी शैली को पशु पक्षी शैली कहा जाता है। कारण क्या, इसमें पशु पक्षियों की सर्वाधिक चित्र है, स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का समय, जबकि विकास पूछा जाए हरे कबूतर सरिस्का ब्यारण्य अलवर में है। क्या बात है सर, आप गाते हो तो अच्छे लगते हो, अच्छा क्या बात है, गाता हुआ और हंसता हुआ आदमी हमेशा अच्छा लगता है, चाहे उसकी शक्ल में कितनी 12 बजी हो। इसलिए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मेरे जैसे गाना आए या ना आए गाना चाहिए, है कि नहीं है। और भी है चित्र, जगह नहीं बची यहां पर, बूंदी शैली। चित्र नायिका भेद, अनुष्का बताएगी नायिका भेद क्या है, अनुष्का 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 बता नायिका भेद क्या है। ऋतु वर्णन, बारहमासा, ये तीनों चीज अनुष्का बताएगी, क्योंकि इनका साहित्य में बहुत ज्यादा काम पड़ता है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी किसी तीसरी को दे आ, अनुष्का बता ये क्या है, नायिका वेद क्या है, ऋतु वर्णन क्या है, बारहमासा क्या है। वो जो अपने लिखा था कबूतर पक्षी घुड़दौड़, उसके अलावा ये चित्र और हैं इसे लिखे। बूंदी शैली का यदि विकास पूछ लिया जाए, विकास किसके समय बताओगे, सुरजन हाडा के समय, सुरजन हाडा के शासनकाल में। ऐ तेरे बारह मासा पद बाउत, बेशर्म कबूतरी चूनरी का, बेशर्म कबूतर नगरे, यू नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आसियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उससे ऊंची उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह तुलसाराम जी, राग रागिनी गुंजन झाला, नायिका भेद में राधा कृष्ण, है तेरी बावली बूझ, अनुभवी लोग बताएं। ये दलपतचारण ने कह दिया नायिका भेद पूर्व निरागिनी नवोडा पोषित पति का, और बता मुग्धा
प्रोढ़ा भाई उसको भी पढ़ाओ। वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही है जिसमें चैनल कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको पढ़ो और नोट करो। पहले ये नोट करो, देखें एक बार देखें। दांतों को दबाकर गाते भी अच्छे लगते हो हैं ऐसे। मुग्धा, मुग्धा कौन सी होती है ये बता दे। मारी रे मंगेतर नखरे वाली, वो नखरे वाली मुग्धा होती है। भिन्न भिन्न नायिकाओं का ऐसा चित्र बनाए, तो मेरे को लगता है इतनी देर में दलपत से बात कर ली तूने, कि तू बता मेरी इज्जत रख। मुग्धा का जो मुग्धा के चेहरे पर कैसा भाव होता है, वैसा का वैसा चित्र बनाया गया है। रूठी हुई के चेहरे पर कैसा भाव, वैसे नायिका जितनी प्रकार की महिला के मनोभाव है उन सभी मनोभावों को प्रकट। ऋतु वर्णन, हमारे षड ऋतु मानी गई है। कितनी ऋतु? षड ऋतु यानी छह ऋतुएं। छऊ ऋतुओं का वर्णन, छऊ ऋतुओं का चित्र, के बारिश का चित्र, बारिश में कैसा वातावरण, कैसी प्रकृति दिखाई देती है, ग्रीष्म काल में कैसी दिखाई देती है, शरद में कैसी, शिशिर में कैसी, हेमंत में कैसी। वैसे बारह मास हर महीने का चित्र, सावन का वातावरण, भादो का झड़ी, चेत का, फागुन का, सबकी। मार्बल सिटी मकराना से राम राम सा नागौरी जाट MSK, क्या बात है। आपके मकराना के MLA बहुत बढ़िया हैं यार, मुरावतिया जी, रूपाराम जी, है ना, क्या तेजा गाते हैं विधानसभा में भी। बड़ा विधानसभा में भी यार ठरका मचा दिया रूपाराम जी ने, कई बार प्रोग्रामों में भी साथ रहने का मौका मिला है। बिहारी जैसा नायिका वर्णन कोई नहीं कर सकता दलपत, बिल्कुल। बिहारी के समग्र मेरे पास पड़ा है, उसको देखते तो मजा आता। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन हिसों बात। कितनी बती, कितनी बड़ी बात कह दी। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन हिसों बात। हैं रूपा राम जी मुरावेतिया रुए संदीप दैया कह रहे हैं। आइए देखते बूंदी से लिखे प्रमुख चित्रकार सुरजन आडानी, सुरजन नाम का चित्रकार था। डालू जिसको डालचंद भी कहते हैं, ये दो इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। और साहब इस डालचंद या डालू को तो पक्षियों के जितने चित्र बनाने का अनुभव ऐसा किसी का था ही नहीं है। एक सर बताती हूं तब तो देखते नहीं फिर बोलते, अच्छा तेरा कमेंट ऊपर चला गया, हो सकता है, कोई बात नहीं। एक और यार बहुत प्यारा दुआ है इनका, मिलत खिले तल जा। बतरस लालच लाल की मुरली लई लुकाए, सेन करे भुवन हंसे देन कहे नट जाए। RJ 229, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। ये हुई हमारी बूंदी से ली, अब चलते हैं नाथ द्वारा से ली। एक बार कमेंट करके बताओ, रहे मैंने फट पढ़ा दी थी कि लोग देवता पढ़ाते समय, अगर फट पढ़ा दी हो तो फिर साफरा से ली पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सापरा शैली पढ़ लो चाहे फट पढ़ लो एक ही बात है। कमेंट करो, देखा बहुत अच्छा लगा सर आज की क्लास लेकर दिनेश रणव। तो दिनेश जी कौन करेगा कमेंट, तू ही कर रही हो मुकेश। जीन झपट में झुलमती, जीने पट में, जीने पट में है बेटा, जुलमली ओप अपार है ना। नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं, अब पढ़ा देंगे सर। में इसे जंगली सुअर का शिकार करते हुए, ठीक है ठीक है। सर आपकी पूरी आर्ट एंड कल्चर कहाँ मिलेगी? डागुर्स ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें मिलेगी। कतई जुलम, दिनेश जी ही हैं, मिनेश कुमार,
ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए चलते हैं नाथद्वारा शैली। दोस्तों ये वर्ण संकर शैली है क्योंकि इसमें दो शैलियों का मिक्स है, मेवाड़ शैली प्लस ब्रज शैली। मेवाड़ शैली प्लस ब्रज शैली का मिश्रण या इन दोनों की मिश्रित शैली है, क्योंकि ध्यान देना ये नाथद्वारा है, ये पहले एक गांव था, गांव का नाम था सिहाड़, जिला कौन सा पड़ता है राजसमंद, मेवाड़ स्कूल की शैली है ये। जब औरंगजेब श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने आया, उस समय मनीषा लाल चेहरा कैसे कर रही है, औरंगजेब श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने आया, श्रीनाथ जी का मंदिर था वृंदावन में, पहले गोवर्धन में स्थापित हुए, अब साहब वृंदावन से इस मूर्ति को उठाया, इनके तत्कालीन पुजारी थे जिनका नाम था दामोदर स्वामी या दामोदर तिलकायत भी कहते हैं, इन्होंने इस मूर्ति को उठाया और मूर्ति को उठाकर पहुंचे किसके पास, महाराणा राज सिंह के पास, और महाराणा राज सिंह ने इस जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, श्री राज सिंह ने कहाँ स्थापित कर दी, सियाड़ में, और श्रीनाथ जी की मूर्ति थी इसलिए इस सिहाड़ का ही नाम बदलकर क्या कर दिया, श्रीनाथ द्वारा। तो तत्कालीन पुजारी उस मंदिर के सारे बनाने वाले सारे के सारे लोग कहाँ से आए थे, वृंदावन से, वृंदावन वाला इलाका क्या कहलाता है, ब्रज। तो वो जो कलाकार वहां से आएगी सर फ्री मिलेगी कि क्या सर, अरे बेटा रोया बिना तो मम्मी बबो को दे भावड़े बात करे, फ्री कमाए कौन दे जमाना कमाए ने रे यार कमा, अरे 900 रुपया फ्री है, ये मान लियो ते दो बार मोबाइल रिचार्ज करवाया ना, बताई वीसा है, वित्तीय विषय में तो पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा, जिसमें केवल मैं ही नहीं अन्य टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं पूरा राजस्थान। अरे लास्ट कब तक है जी, एक दो दिन ही और बचे हैं शायद, हैं केवल 900 रुपये में यार, फ्री है 900 रुपये तो, ब्रज का कृष्ण प्रेम इसी में समाहित, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बिग्गो जी जाखड़ की जय हो। हाँ नागोरी डॉक्टर, आज तो लेट हो गया जी, स्कूल में कोई काम आ गया था, क्या बात है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो ध्यान देना यहाँ स्थानीय कलाकार जो आए वो मेवाड़ शैली से प्रभावित थे, वृंदावन से जो कलाकार आए वो ब्रज शैली से प्रभावित थे, इस प्रकार दोनों प्रकार के कलाकारों ने मिलकर किया, तो दो शैलियों का मिश्रण हो गया, वो है मेवाड़ शैली और ब्रज शैली। मेवाड़ शैली और ब्रज शैली की मिश्रित शैली है, वो कौन सी शैली है, इमरान खान सैल्यूट है सर आपको और आपके पढ़ाने के तरीके को। तो ध्यान देना इन दोनों की मिक्सअप जो शैली है वो कौन सी, नाथद्वारा शैली। इसका सर्वाधिक विकास, विकास स्वर्णकाल सब कुछ, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रियो, सेठा में सांवरो सेठ रे बाकी सब डुप्लीकेट। स्वर्ण काल है महाराज महाराणा राज सिंह का समय। महाराणा राज सिंह का समय, इस शैली के प्रमुख चित्र देखिएगा, पिछवाइयां, चोरो हस्तकला पढ़ेंगे ने उस समय इस पिछवाइयां को और विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे आप जानते होंगे मंदिर में जब मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे जो पर्दा चित्रित होता है उसे क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। अष्टचोरों का दर्शन के समय जो प्रदर्शित की जाती है नाथ श्रीनाथ जी के मंदिर में, पिछवाइयां, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, याद रखना श्री कृष्ण की जवानी की लीला, जवानी की लीला जो रासलीला कहलाती है वो तो है कहां पर, किशनगढ़ में, वहां जवान थे, और यहां तो देखो श्रीनाथ द्वारा में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, नंद बाबा के घर के समय का हाल है, तो नंद बाबा के घर रहते हुए भगवान बाल थे, तो बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाओं में कैसे कैसे ले सकते हैं, जैसे माखन चोरी, माखन चोरी, कंदुक क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा जानते होंगे, कंदुक क्रीड़ा करते करते इन्होंने किया था कालिया दमन, कालिया नाग को मारा था ना, कालिया दमन जिसको नाग दमन भी अपन कह सकते हैं, श्री कृष्ण और यशोदा, श्री कृष्ण और राधा के चित्र मिलेंगे आपको किशनगढ़ शैली के बताने हैं,
याद रखना, श्री कृष्ण और राधा के चित्र कौन सी शैली में बताओगे, वो बताओगे किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली में श्री कृष्ण के रूप में सावत सिंह को चित्रित किया गया है, राधा जी के रूप में बनी ठणी को चित्रित किया गया है। यहाँ तो है कृष्ण और यशोदा यानी कि बाल लीला है, गिरिराज गोवर्धन पर्वत, गिरिराज गोवर्धन पर्वत आदि, ये चित्र किससे लिखे हैं, मेवाड़ से लिखे। ब्रज और मेवाड़ शैली का मिश्रण महाराज सिंह के समय गोल्डन पीरियड रात, पिछुआइयाँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ, माखन चोरी, कंदु क्रीड़ा, कालिया दमन, श्री कृष्ण यशोदा, गिरिराज गोवर्धन पर्वत, ये किस शैली के चित्र हैं, नाथद्वारा शैली के चित्र। अब नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार देखिएगा, नारायण, गासीराम, चतुर्भुज। चतुर्भुज तो कवि भी था, अष्टछाप के कवियों में था, नारायण, गासीराम और चतुर्भुज है इसके प्रमुख चित्रकार। इसी नाथद्वारा शैली का जो प्रमुख वृक्ष है वो बताना चोरो कदंब। कृष्ण की बाल लीला ब्रज की, ब्रज में सब सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है, कदंब है कि नहीं, मानुष हो तो वही रसखाना, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नंद नंद के धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो करियो नख पुरंदर कारण, और जख जो खग हो तो बसे न कोरो मिली कालिंदी कुल कदंब की डारन। कदंब के बाद में केला भी है लेकिन कदंब नहीं हो तब केला। प्रमुख रंग, अब पर्यावरण का चित्रण है तो हरा होगा, और कृष्ण भगवान के वस्त्र कैसे हैं, पीले, तो हरा और पीला। अब देखना साहब इसका नारी सुंदरी, अलसाई आंखें, अलसाई जिनको तंद्रिल आंखें कह सकते हैं, तंद्रिल आंखें, वह नथ का मोती, नथ में मोती हो रहा है जिसको बेसर बोलते हैं, नथ का मोती खास विशेषता है। बोले गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो, काली देव नाग जू नाते उपन नारायण श्री बजमन नारायण नारायण नारायण, जमुना के तीरे धेनु चरावत नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण, तब श्रीमन नाम उचारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। सर खाना खा के आए हो या जाके खाओगे, श्याम सुंदर तू बता कैसा लग रहा हूं, चेहरे से भी पता चलता होगा ये भूखड़ है या जिम के आया है। तू भी पूजा लेकर जाती है तो भगवान को रिश्वत देकर आती है, क्या बात है। हेलो हेलो, मुख पर मुरली धारायण, क्या बात है। ये मुरली तो कम ही धरते थे वो, बाकी तो गोपिकाएं साथ रहती थी 16108, तो पता नहीं होठों पर क्या धारण करते थे। क्या बात है सर, मजा आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लांबा जी आपके बीच में आ रहे हैं। सर थोड़ा इधर आ जाओ पास में, इतना दूरी क्यों बना रखी है। अच्छा ऐसे क्या, हाँ ऐसे देखते से भागने लग जाते हैं। मत देखो तो बात भर लूं। तो बात भर लो, आ जाओ। यही गलती तू हर बार करता है, आदमी है आदमी से प्यार करता है। तो बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी, आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है क्या, मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप सभी तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे आपके लिखा आ रहा होगा कि जो शाम को 5 बजे टेस्ट है वो टेस्ट आप अटेंड कीजिए। जैसे कविया सर आपको देखो डिटेल्स आर्ट एंड कल्चर, वहां पर सर शानदार पर्सन करा करा के इनकी प्रैक्टिस। तो कहीं किसी क्लास में कितने पर्सन होते हैं, 200 से 300। वेरी गुड, चलो पुलिस वालों ध्यान दो भाई इस बात पे। पुलिस वालों और पीटीईटी का एग्जाम भी 16 सितंबर को सर कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल है, तो पीटीईटी में भी अपना राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, जीके ये सब आता है, इंडियन जीके आता है, तो
सारी बातें जो है आपको ध्यान से सुननी है। शाम को सभी लोग, शाम को सभी लोग, नटखट गोपाल कह रहा है सर कोरोना में दूरी बनाओ। भाई ये दिलों की, दिलों के रिश्ते हैं, ये दूरियों से हमारा काम नहीं चलता है। ठीक है, आज की क्लास में मजा आ गया। कमेंट कर दो आज की क्लास कैसी रही, तो और दोस्तों शेयर कर दो। अरे एक बात बताओ, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो गृहस्थी कैसे निभेगी ये बताओ। अब सामने आके बोलो, ऐसे पीछे आके क्यों बोल रहे हो। चलिए चलिए, पीछे से तो कोई बोल ही नहीं सकता, पीछे से बोल रहा है इसका मतलब पेट में गड़बड़ है, बोलता तो सामने से ही आदमी। चलिए, तो हंसी मजाक कविया सर करते हुए शाम को 5 बजे मिलेगा। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगला जो आपका इंडियन हिस्ट्री का सेशन है वो नहीं होगा आज। अंकुर सर की जो है तबीयत थोड़ी नासाज है, ठीक है, उन्होंने जो है खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो कल जो है वो मैं भी ज्यादा खाया जो ना डकार आ रही है, बट अपर कैरियर डकार आ रही है बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सेशन नहीं है, उससे नेक्स्ट सेशन रीट का आपका संस्कृत का होगा 1 बजे, और 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। और नहीं, अंकुर सर की क्लास नहीं है, मैं आपको अनाउंस कर दिया हूं, इसलिए मैं आप पहुंचा हूं आपके बीच में। रतन सिंह कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मत तो रख लूं, पर वो तेरी बुआ जी नहीं रखती, वो साथी पर चढ़ जाती है। तो आपको पूरा थ्योरी सेगमेंट में आनंद आ रहा है, और प्रैक्टिस में तो आप धुआं उठा ही रहे हो, रज रज के प्यार लुटा रहे हो डागुर्स को। तो डागुर्स का प्यार सब तक पहुंचाते रहो, शेयर करते रहो, और शाम को 5 बजे मिलता हूं आपसे। और पीटीटी वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देना दोस्तों आज का सेशन, पीटीटी वालों के लिए भी दोस्तों, उनकी परेड कर देंगे अपन, जैसे पुलिस की परेड कर रहे हैं, कांस्टेबल, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स के लिए शाम का 5 बजे वाला टेस्ट जो है, भागते भागते आयो, लगता है लंबा जी बताने, बिल्कुल भागते भागते आयो कि कहीं जो मिस ना हो जाए मामला, आपको तकलीफ ना हो जाए। मेरा बड़ा ध्यान रखते यार है, मैं भागता हूं, गुड़ता हूं, बैठता हूं। चलिए, तो थैंक यू, नमस्कार, राम राम, बाय बाय।